हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको जयपुर के फेमस प्लेस हैं उनकी सैर कराएंगे। तो अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं और ये देखिए बाहर का नज़ारा, कितना शानदार नज़ारा है ये। अब हम आमेर किले की तरफ निकल चुके हैं, ये बीच में शहर के नज़ारा है। ये देखिए जयपुर का गुलाबी नगर, जयपुर को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए आप सब कुछ गुलाबी ही गुलाबी नज़र आएगा आपको। तो चल रहे हैं अभी हम आमेर के किले की तरफ, ये बीच का नज़ारा है जयपुर शहर के। ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है, आमेर किले की तरफ जाते हुए बीच में ये रास्ता है, रास्ते को अभी हम थोड़ी देर में आमेर किले की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा माहौल है। ये जब हम आमेर किले की तरफ जा रहे हैं तो ये एक गेट बना हुआ है बीच में, तो ये गेट है, ये पीछे से हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी शुरुआत हो चुकी है आमेर किले की। ये देखिए ये जो गाड़ियां हैं ये ऊपर लेकर जाती हैं अगर आपको ऊपर सैर करनी है। ये है आमेर का किला, जयपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है ये। ये देखिए आमेर महल, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है। अभी हम एंटर कर रहे हैं आमेर महल के अंदर, ये मुख्य द्वार है आमेर का। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरे किले को देखेंगे अच्छे से। ये देखिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अभी हम, और कितना सुंदर नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। आप भी जब भी कभी जयपुर जाएं आमेर के किले को ज़रूर देखें, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अच्छा महल है। अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसको पूरा देखेंगे। तो चलते रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, अद्भुत नज़ारा। यहाँ पर पर्यटक काफ़ी संख्या में आते हैं और पूरा दीदार करते हैं महल का, काफी सुंदर महल जो बनाया हुआ है। ये अंदर की तरफ जब हम जाते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ से हम एंटर करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद इनकी सीढ़ियों पे धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर पहुँचने के लिए, और दूसरी तरफ से कार और उनके माध्यम से भी जा सकते हैं अगर आप उनके माध्यम से जाना चाहते हैं तो। ये ऊपर जाते हुए ये देखिए सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं आप। ये हाथी हैं, इन पे आप सैर कर सकते हो, इनकी 1100 रुपये बैठने की फीस है। तो ये अभी जो सैलानी हैं वो दीदार कर रहे हैं हाथियों का, और ये हम जो मेन है उसके एंट्री कर चुके हैं। ये देखिए ये पूरा ये तोप बनाई हुई है, और ये देखिए पूरा सुंदर नज़ारा है, ये ऊपर का है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। थोड़े टाइम पहले यहाँ पे बारिश हुई है, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी भी भरा हुआ है यहाँ पर, और कितना सुंदर बनाया हुआ है महल को, काफ़ी सुंदर महल। अभी हम इसको और अच्छे से देखेंगे, ये हाथी ऊपर की तरफ आ गए हैं।
ये देखिए ऊपर से जब हम देखते हैं तो ये देखिए ऊपर से अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऊपर से देखने में ऐसे लग रहा है, काफ़ी सुंदर है। और ये जो आप दूर की तरफ देख रहे हैं ये पहाड़ियों पे चारों तरफ इनकी बाउंड्री बनी हुई है। तो दोस्तों अभी हमने आमेर का किला देखा है और थोड़ा टाइम का अभाव होने की वजह से अब हम नीचे की तरफ चलेंगे। तो अगर आपको पूरा आमेर का किला देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो अब हम नीचे की तरफ चलेंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं और ये बाहर की मार्केट है, आमेर किले के बाहर की तरफ का ये दृश्य है, ये देख सकते हैं आप, सुंदर दृश्य है। और अभी हम निकल रहे हैं और अभी हम निकल चुके हैं और जगह पर अब हम चलते हैं, देखते हैं और जगह। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जल महल के पास, ये है जल महल के, ये देखिए ये जो आपको जल महल के अंदर महल दिखाई दे रहा है यही जल महल है। काफ़ी दूर दूर तक आपको पानी ही पानी दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ पर भी कितनी सुंदर पहाड़ हैं, पानी, और ये सैलानी हैं यहाँ पे जो दीदार कर रहे हैं जल महल का। ये पानी के अंदर महल, ये देखिए ये महल है पानी के अंदर, ये देखिए कितना सुंदर महल है, पानी के अंदर ही है ये महल, काफ़ी अंदर जाके है। और ये सैलानी अपनी अपनी फ़ोटो खींचते हुए, ये देखिए अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत। तो ये हमने जल महल देखा है, अभी जल महल के अंदर जाने का वैसे कोई रास्ता नहीं है, जल महल का दीदार आप यहीं से कर सकते हो। और जल महल के सामने ये देखिए संजय म्यूजियम है, जो ये दिखाई दे रहा है ये संजय म्यूजियम है, ये जल महल के बिल्कुल सामने की तरफ। और ये देखिए जयपुर में, जयपुर के जो प्रमुख कपड़े हैं वो लगा रखा है, स्टॉल लगा रखा है यहाँ पे। तो अभी हम जल महल देखने के बाद पहुँच चुके हैं हवा महल में, ये हवा महल का गेट है। और अभी हम सबसे पहले हवा महल के अंदर टिकट लेने के लिए काउंटर पर जाएंगे। तो अभी हम टिकट लेने के लिए लाइन में लग चुके हैं और यहाँ पर जो टिकट दी जा रही है वो 50 रुपये की एक टिकट दी जा रही है। तो अभी हम टिकट लेते हैं, उसके बाद फिर हम हवा महल की सैर करेंगे। तो दोस्तों अभी हम हवा महल में आ चुके हैं और अभी हम आपको हवा महल का पूरा दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए ये हवा महल का है, ये देखिए अभी हमने एंटर किया है, अभी हम ऊपर जाएंगे और आपको हवा महल दिखाएंगे। ये हवा महल के एंटर करते ही ये नज़ारा है, हवा महल के जैसे ही अंदर हम एंटर करते हैं तो ये सबसे पहले गेट मिलेगा आपको। इसके अंदर जाएंगे हम तो इसके अंदर ये और अंदर का नज़ारा है, ये अंदर जाते बैक साइड है। तो दोस्तों ये है हवा महल, ये छोटी छोटी खिड़कियां हैं, इसके अंदर से हम बाहर की तरफ देख सकते हैं। ये नज़ारा है बाहर का, कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है और हवा भी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ से। ये छोटी सी खिड़की है इनके अंदर, छोटी छोटी खिड़कियां हैं।
तो दोस्तों अभी हम हवा महल के सबसे ऊपरी फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और ये ऊपर से देखने पर ये नज़ारा दिखाई देता है जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। ये ऊपर से ली गई फोटो है, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सबसे ऊपर टॉप आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है ऊपर से। और अब हम चलते हैं हवा महल से बाहर, तो ये बाहर निकलने का रास्ता है हवा महल से। तो अभी हम हवा महल से वापस आ चुके हैं और अभी हम एल्बर्ट म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है हमें दूर से, ये एल्बर्ट म्यूज़ियम है। अभी हम आपको इसके पास से दिखाएंगे। ये चौराहा है, काफ़ी सुंदर चौराहा है और ये देखिए काफ़ी सुंदर है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये एल्बर्ट म्यूज़ियम है, जहाँ पर दर्शकों की काफ़ी भीड़ है जो एल्बर्ट म्यूज़ियम को देख रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर है एल्बर्ट म्यूज़ियम। तो दोस्तों अभी समय का अभाव होने की वजह से हम एल्बर्ट म्यूज़ियम के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप इसे पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम फिर आपको एल्बर्ट म्यूज़ियम दिखाएंगे। ये देखिए एल्बर्ट म्यूज़ियम के बाहर का नज़ारा है ये। तो अभी हम वापस घर की तरफ चल पड़े हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये थी हमारा आज का व्लॉग, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।